रूपांतरण इसका मतलब है ये एक बीज बोने की तरह है, न कि एक बुलडोजर लाकर पूरी जगह को खोद देना। यह रूपांतरण नहीं है, यह तबाही है। अगर आप एक बीज बोते हैं तो रूपांतरण होगा, सब अलग दिखेगा, उस जगह सब बदल जाएगा, हाँ या ना? अगर आप बुलडोज करते हैं तो भी सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह एक स्मारक बन जाएगा, यह एक जीवित रूपांतरण नहीं होगा। जो सबसे सफल रहा है उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। तो पद्म शाम्भवा, जिन्हें तिब्बत में सबसे महान गुरु माना जाता है, वे इस मार्ग पर चले थे। मुझे लगता है हम उस गुफा में जा रहे हैं जहां उन्होंने ध्यान किया था या कुछ समय बिताया था। वे यहां रुके थे, ठीक है? उनके पास ये चीजें नहीं थी तो उन्होंने यहां की गुफा का इस्तेमाल शायद कुछ देर रुकने के लिए किया, यहां के लोगों को स्पर्श किया और फिर तिब्बत चले गए। आज जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म माना जाता है, वो ज्यादातर उनका प्रभाव है। वे ही थे जिन्होंने वहां एक ढांचा स्थापित किया। हम खुशकिस्मत हैं कि हम यहां हैं जहां उनके कदम पड़े थे। तिब्बत आज जैसा है वो मुख्य रूप से पद्म शाम्भवा की वजह से है। वो इस मार्ग से गुजरे थे और शायद उन्होंने कैंप लगाया हो, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल यहीं बैठे हैं, उनकी गुफा यहीं कहीं है। वे एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें गुरु रिम्पोशे कहा जाता है। अभी सिर्फ हमारा ग्रुप ही ऊपर जा रहा है, यह अच्छा है। यह एक निजी पहाड़ है। Shiva 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 Shiva
तो कई तरीकों से हम एक ऊर्जा का धमाका करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि आप अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका लक्ष्य तय है तो क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हवा चलेगी तो आपका विकास होगा, आप पर धूप पड़ेगी तो आपका विकास होगा, आप खाना खाएंगे तो आपका विकास होगा, ठंडा पानी आपको छुएगा तो आपका विकास होगा, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। यही महत्वपूर्ण है कि आप अपना लक्ष्य ऐसे तय करें कि हर चीज जिसे आप छूते हैं उसका लक्ष्य चाहे जो भी हो। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लक्ष्य क्या है, अगर मैं ऊर्जा फैलाऊं तो आपका विकास होना चाहिए। अंदावरे मुंदावरे मते तावरे
तव जननम् कालो न जानाति तव समापणम् दृष्टो